हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th, लेसन नंबर 11, सच्चा बालक। चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर जो स्टोरी है वो लर्न की थी। आफ्टर दैट ये शब्द इन मुहावरे है वो लर्न किए थे। आज आगे लर्न करेंगे अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा क्यों कहा? क्वेश्चन 1, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है। जब सरदार ने लड़के से पूछा था, तब लड़के ने कहा था, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। ऐसा क्यों कहा बच्चा ने? क्या आएगा? लड़के से उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसीलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है। लड़के की माँ ने उसे कहा था, कभी भी हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोलना पाप है। इसीलिए जो लड़का है उसने बता दिया सरदार को, मेरे पास 40 असरफिया है। क्वेश्चन नंबर 2, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। सरदार ने डाकुओं से ऐसा क्यों कहा कि लूटा हुआ सामान है वो वापस कर दो? लड़के ने अपनी माँ के सिखन के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 असरफिया है। लड़के की यही ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान ही वो वापस कर दो। क्या हुआ था? लड़के ने क्या किया था? अपनी माँ के सिख के अनुसार उसने सही बता दिया कि उसके पास 40 असरफियाँ है। और लड़के की यही ईमानदारी देखकर, यही नेकी देखकर उसने सरदार है वो प्रभावित हो गए और उससे लूट से अब नफरत हो गई। इसलिए सरदार ने लुटारों से कहा, डाकुओं से कहा, ये जो लूटा हुआ सामान है उससे वापस कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए और लिखिए। चिल्ड्रन, यहाँ पर डिफरेंट सेंटेंसेस दिए, उसे पढ़ना है और लिखना है। नंबर 1, लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। चिल्ड्रन, आपको आपकी कॉपी में लिखना है कि यही सेंटेंस, लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। नेक्स्ट नंबर 2, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। नंबर 3, माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। नंबर 4, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। नंबर 5, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? चिल्ड्रन, जैसे अब्दुल कादिर है उसने सच बता दिया कि उसके पास 40 असरफिया है, वैसे ही अगर आप अब्दुल कादिर की जगह होते तब आप क्या करते वो बताना है। अगर मैं अब्दुल कादिर की जगह होता तो मैं भी कादिर की तरह सच बोलकर असरफिया डाकू को दे देता। मैं भी कादिर की तरह क्या करता? सच बोलता और जो असरफिया है वो डाकुओं को दे देता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन 1, सॉरी नंबर 1, माँ बाप। नंबर 2, बड़ा छोटा। नंबर 3, सच झूठ। नंबर 4, नेक बेईमान। नंबर 5, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध। नंबर 6, आज कल। नंबर 7, पास दूर। चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने सारे वर्ड से लर्न किए, उसमें देखो क्या है, ओपोजिशन दिया है, माँ का ओपोजिशन दिया है, बाप बड़ा यानी कि बिग, छोटा यानी कि स्मॉल, सच यानी कि ट्रू, झूठ यानी कि फॉल्स। वैसे देखो सभी ओपोजिशन वर्ड से वो दिए है। थैंक यू।